चल जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब ने सिख बरादरी से एक प्रॉमिस किया था कि जब बाबा गुरु नानक का 550वां उर्स मुबारक होगा तो उसकी खुशी में हम ये करतारपुर बॉर्डर को खोल देंगे। इसके लिए सिख बरादरी को ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। वो बिना पासपोर्ट डिसाइड होने की किस तरह से इमिग्रेशन होगी, किस तरह से यात्रियों को वेलकम किया जाए, दरअसल सेकंड फेज। लेकिन खुशी की बात यह है, जो खुशखबरी है कि ये गुरुद्वारा अब ज़्यादा दूर नहीं है संगत से, और वैसे भी सिख कौम गुरुद्वारों की यात्रा के लिए तो तड़पती है, लेकिन ये स्पेशल यात्रा हो जाएगी। कुछ यात्री मौजूद है, लेट्स से थोड़े से कमेंट जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है करतारपुर साहब? बहुत अच्छा। तुम पहली बार आए हो? अच्छा, तो सेकंड टाइम आने की वजह? करतारपुर साहब पे आके वो जगह जहाँ बाबा गुरु नानक जी ने जिंदगी के 17 साल गुजारे, मैसेज या किरत करना, वन की जगह नाम जपना, तो कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, और बैक इन होम जाके कैसे बताएंगे लोगों को? ऐसा है जी, जैसे गुरु नानक देव जी जो संदेश था कि सबको मिलके रहना चाहिए, एकता चाहिए, वो मुसलमान हिंदुओं में जैसे ये मिसाल है यहाँ इस गुरुद्वारे में, तो ये एकता का एक सबूत है। और दूसरी बात, ये जो आज हो रहा है ये गुरु नानक देव जी की कृपा हो रही है, और दूसरी तरफ ये है कि जो दोनों गवर्नमेंटों का बहुत इसमें हाथ है, तो मैं दोनों धिरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो अवाम है ये इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, ये इतना महसूस हो रहा है। तो मेरे ख्याल में और जितनी सिख संगत है सबकी तमन्ना पूरी होगी, अब तो उनको आना जाना इजी हो जाएगा। इसके लिए मैं दोनों धिरों को, दोनों गवर्नमेंटों को धन्यवाद करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ, वो सिख जगत को तो बहुत ही खुशी की बात है जो आज हो रहा है। चले जी, ये यूके से ग्रुप जो आया हुआ जिसको हम यात्रा जता, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब ने सिख बरादरी से एक प्रॉमिस किया था कि जब बाबा गुरु नानक का 550वां उर्स मुबारक होगा तो उसकी खुशी में हम ये करतारपुर बॉर्डर को खोल देंगे। इसके लिए सिख बरादरी को ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। वो बिना पासपोर्ट डिसाइड होने की किस तरह से इमिग्रेशन होगी, किस तरह से यात्रियों को वेलकम किया जाए, दरअसल सेकंड फेज। लेकिन खुशी की बात यह है, जो खुशखबरी है कि ये गुरुद्वारा अब ज़्यादा दूर नहीं है संगत से, और वैसे भी सिख कौम गुरुद्वारों की यात्रा के लिए तो तड़पती है, लेकिन ये स्पेशल यात्रा हो जाएगी। कुछ यात्री मौजूद है, लेट्स से थोड़े से कमेंट जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है करतारपुर साहब? बहुत अच्छा। तुम पहली बार आए हो? अच्छा, तो सेकंड टाइम आने की वजह? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई थी, मैं द्वारा
अच्छा 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 भाई साहब तुसी इधर आ गया जो भाई साहब बड़े स्माइल कर रहे हैं भाई साहब जो है मुझे लग रहा है कि भाई साहब आ गया भाई साहब आ गया भाई साहब कैसा लग रहा है करतारपुर साहब पे आके वो जगह जहां बाबा गुरु नानक जी ने जिंदगी के 17 साल गुजारे मैसेज या कीर्त करना वन की जगह नाम जपना तो कैसा लग रहा है कैसा फील कर रहे हैं और बैक इन होम जाके कैसे बताएंगे लोगों को ऐसा है जी जैसे गुरु नानक देव जी जो संदेश था कि सबको मिलके रहना चाहिए एकता चाहिए वो मुसलमान हिंदुओं जैसे कि मिसाल है यहाँ इस गुरुद्वारे में तो ये एकता का एक सबूत है और दूसरी बात ये जो आज हो रहा है ये गुरु नानक देव जी की कृपा हो रही है और दूसरी तरफ ये है कि जो दोनों गवर्नमेंटों का बहुत इसमें हाथ है तो मैं दोनों धिरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान की जो आवाम है ये इतना प्यार करती है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गया हूँ ये इतना महसूस हो रहा है तो मेरे ख्याल में और जितनी सिख संगत है सबकी तमन्ना पूरी होगी अब तो उनको आना जाना इजी हो जाएगा इसके लिए मैं दोनों धिरों को दोनों गवर्नमेंटों को धन्यवाद करता हूं और सबको बधाई देता हूं वो सिख जगत को तो बहुत ही खुशी की बात है जो आज हो रहा है चले जी ये यूके से ग्रुप जो आया हुआ जिसको हम यात्रा चाहते सिख मज़हब के अकायद श्री गुरु नानक देव जी और इनके नौ जानशीनों और गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात पर मबनी है दुनिया भर में सिख अपनी ज़िंदगी आखिरी गुरु ग्रंथ साहब की बानी की रोशनी में बतरीके अहसन गुजारता है और हर पहलू में गुरबानी से रहनुमाई हासिल करता है इसके साथ ही अपने दोस्त को इजाज़त दें अगली किसी बेहतरीन वीडियो के लिए देखते रहें ड्रोन टीवी